वजीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इस्माइल खान है और सांगढ़ है, इन 7 ज़िलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं। उनके वहाँ पर जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो अकाउंट खोल सकते हैं। हमने स्टेट बैंक के साथ हमारी टीम ने मिलकर पायलट प्रोजेक्ट में हमने जो बैंक्स इस वक्त रखे हैं उसमें बैंक अलफलाह है, नेशनल बैंक है, JS बैंक है, UBL है, ये इस वक्त पायलट प्रोजेक्ट में हमारे साथ बैंक्स हैं। लेकिन बहुत जल्द अगले महीने या उससे भी पहले, कोशिश हमारी अगले महीने में जितने भी बैंक्स आते हैं, जो बैंक्स भी हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, हमारे बेनिफिशरीज जो हैं उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो हमारे 90 लाख बेनिफिशरीज हैं वो किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट खोल सकते हैं और उनको जो है वहाँ पर जो है उनको चेकबुक दी जाएगी, ATM कार्ड दिया जाएगा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि बैंक अकाउंट्स ओपनिंग पे हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने पैसे नहीं देने, वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिनिस्ट्री जो है वो उनकी जो ओपनिंग जो अकाउंट है वो भी हम करेंगे और साथ साथ उनके डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए पैसे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर 2-3 महीने के बाद या कुछ अरसे बाद अगर वो हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो समझते हैं कि बैंक हमारे साथ, हम उससे मुतमईन नहीं है, तो बैंक चेंज भी कर सकते हैं, ये नहीं का वन टाइमर है। और उसके साथ साथ हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये कार्ड हम लॉन्च करने जा रहे हैं जो हमारे 9 मिलियन बेनिफिशरीज हैं, 90 लाख ख़वातीन जो बेनज़ीर, वो सारे कम अज़ कम इस कार्ड के ज़रिए आपको जो है चाहे उसमें हम हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, चाहे उसमें हम स्टोर की फैसिलिटीज़ दें, चाहे और भी जो स्कीमें आएंगी फ्यूचर में दवाइयों जो भी होगी वो इस कार्ड के ज़रिए, इस कार्ड की सिम के ज़रिए आपको साथ, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है इस तरीके से ये कार्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसमें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर है, जो पहले एक दफ़ा बेनज़ीर कार्ड लॉन्च हुआ था उसी तरीके से हमने ये कार्ड भी लॉन्च किया है और हमारे बेनिफिशरीज़ को जो है ये कार्ड भी जो है वो मिलेगा। उसके साथ साथ जो देखें हमने जो है 1 साल तकरीबन कहें या जो भी कहें, जब इससे हुकूमत आई, इत्तेहादी हुकूमत आई और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ पावर्टी एलिवेशन तफ़ीफ़ गुरबत व समाजी तहफ़ की मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें आई, मैं उसका जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, हमने हमारी पूरी मिनिस्ट्री ने, मैं अपने तमाम टीम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम टीम को इस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, चाहे वो फ्लड है चाहे बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने जिस या अभी जो चीज़ हो रही इसमें उन्होंने जितने मेहनत और कोशिश की और अनथक मेहनत उनकी थी, हमारी टीम को यहाँ पर अगर अप्रिशिएट ना किया जाए वो भी जो है वो ज़्यादती होगी। हम जब आए थे तो हमारे पास बेनिफिशरीज जो थे उस वक्त जो है वो तकरीबन 7.6 मिलियन बेनिफिशरीज थे, अब ये बेनिफिशरीज जो हैं वो 9 मिलियन तक पहुँच गए, मतलब है कि 76 लाख से ये जो है 90 लाख तक जो है वो पहुँच चुके हैं। और जो है उनके जो है हमने जब इस डायनेमिक सर्वे को शुरू किया था पिछले महीने, पिछली जो किस्त थी उससे पहले हमने 25% जो है इजाफा किया इस किस्त में। पहले जो ये है सहमाई की बुनियाद पर 7,000 रुपये दिए जाते थे, अब सहमाई की बुनियाद पर जो है 8,775 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि एक किस्त हम 8,500 की और एक किस्त हम फिर 9,000 ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें इससे जो है आसानी, लेकिन जब डायरेक्ट डेबिट शुरू हो जाएगा उसमें फिर ये मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए 8,775 जो है वो रुपए जो है वो उनके साथ डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए जो है। इसमें अगर आप देखें कि बजट जो हमारा था 2021 और 2022 में 235 अरब रुपये था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, और अब इसका बजट जो है वो 404.2 अरब रुपये जो है वो हो चुका है। इसमें जो है 72% इसमें जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और अभी तक जो है मतलब है कि जो हमारी जो पिछले साल की जो ट्रांच थी उसमें हमने 404 अरब रुपये जो है वो तकसीम कर चुके थे। डायनेमिक सर्वे हमारी फ्लड के बाद ख़ासकर बलूचिस्तान में, सिंध में, जनूबी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के जनूब खैबर पख्तूनख्वा में जो फ्लड है उसके बाद हमने जो डायनेमिक सर्वे पूरे मुल्क में शुरू की, उसमें अब तक जो है सर्वे में 2.3
23 लाख लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया हुआ है, उनकी स्क्रूटनिंग शुरू है, कुछ हमारे साथ रजिस्टर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, और अभी भी डायनेमिक सर्वे शुरू है, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो भी जिनका भी स्कोर 32 या उससे जो है वो कम है, तो वो हमारे साथ शामिल जो है हमारी स्कीम में हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी घर में स्पेशल चाइल्ड है, माजूर को हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, उनका स्कोर हमने 37 रखा हुआ है कि उनके फैमिली में अगर वो बताते हैं कि हमारे साथ हमारे घर में स्पेशल चाइल्ड है, तो उसका स्कोर जो है 32 से हमने 37 कर दिए, ताकि जो है वो भी इससे जो है वो मुस्तफीद हो सकें। इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। BISP कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, फैसल करीम कुंडी की जानिब से बताया गया है। जिस तरह से सेहत कार्ड के हवाले से बात की गई थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो कार्ड है उससे मुतालिक उन्होंने बताया कि जिस तरह से उसमें खसूसियात दी गई थी और लोगों के लिए उसमें चीज़ें रखी गई थी, इसी तरह से इस कार्ड में भी है। मुस्तहिकीन की तादाद 90 लाख तक पहुँच चुकी है, फैसल करीम कुंडी ने ऐसा बताया। 2000 मिल रहे थे, अब हमने उनको 2500 कर दिए है। बच्चे को 1500 रुपये मिल रहे थे, वो उसको हमने जो है वो 2000 कर दिया है। लिहाजा जो है पहले हमारे साथ जो रजिस्टर्ड थे बच्चे, क्योंकि जब ये वज़ायफ़ दी और उसको इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं हुई थी, तो पहले हमारे साथ जब हम आए थे इस हुकूमत में, तो 2.6 मिलियन जो है बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड थे। आज जब मैं आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा हूँ, हमारे साथ जो है 7.52 मिलियन बच्चे जो हैं वो हमारे बेनिफिशरीज के वो रजिस्टर जो हैं वो हो चुके हैं, और उनको हम जो है तालीमी वज़ायफ बच्ची को 2500 और बच्चे को जो है वो 2000 दे रहे हैं, और ये हमारी जो किस्तें जो हमारी समाई हुई है उसी के साथ जो हैं वो हम जो है उनको ये जो है वो पेमेंट्स जो है करते हैं। हमारा जो और जो स्कीम है, जो कि हमारी जो नशोनुमा की जो स्कीम थी, बेनज़ीर नशोनुमा स्कीम पहले सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पिछली हुकूमत तक सिर्फ 15 अज़ला तक सिर्फ उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट किया हुआ था और उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे। हमने बेनज़ीर नशोनुमा का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तमाम अज़ला में फैला दिया है। हर ज़िले में बेनज़ीर नशोनुमा का ऑफिस है, और हमारा स्टाफ जो है जो उधर जो है उसके ऊपर जो है वो काम कर रहा था। पहले जो है इस नशोनुमा के प्रोजेक्ट में हमारे पास सिर्फ 0.2 मिलियन बेनिफिशरीज रजिस्टर थे, अब जो है हमारे वो बेनिफिशरीज जो हैं वो 0.77 मिलियन बेनिफिशरीज जो हैं वो हो चुके हैं। इस तरीके से मैंने पहले भी और हमारी मंशी ने भी पहले इस पे काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, हमने जो है ट्रांसजेंडर को हमने स्कीम में शामिल किया था, और हमने कहा था कि जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपना आईडी कार्ड नादर से बनाकर हमारे किसी भी सेंटर जा सकते हैं और रजिस्टर हो सकते हैं। इस वक्त तक उनमें से पूरे पाकिस्तान में 207 ट्रांसजेंडर इनरोल हो चुके हैं बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में, और वो इससे स्कीम से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता था कि जब हमें एक टास्क दिया गया था फ्लड में, 2.8 मिलियन बेनिफिशरी हमारे अफेक्ट हुए थे, जो कि हमें NDMA ने डेटा दिया था, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट करना था, और हमने 2.8 मिलियन बेनिफिशरी में तकरीबन 70 अरब रुपए जो है हमारी टीम ने फ्लड के दौरान पिछले साल हमने उसके अंदर जो है वो तकसीम किए थे। जब हमारी हुकूमत आई थी मुश्किल